66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए दीक्षा भूमि पर बौद्ध अनुयायियों का जुटना शुरू हो गया है। इसी के साथ ही दशहरा उत्सव को देखते हुए नागपुर शहर में तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। SRPF की 5 कंपनियों सहित लगभग 5000 बल को सुरक्षा में उतारा गया है, जिसमें 1000 होमगार्डों का भी समावेश है। हर गतिविधि पर CCTV कैमरे की नजर रहेगी, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और दशहरा उत्सव पर शहर में तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। SRPF की 5 कंपनियों सहित लगभग 5000 सुरक्षा बल को उतारा गया है, जिसमें 1000 होमगार्डों का भी समावेश है। हर गतिविधि पर CCTV कैमरे की नजर रहेगी। इस दौरान दीक्षा भूमि पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहने वाला है, जिसके लिए बाहरी जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। दशहरा के दिन 5 अक्टूबर को बहुत सारे बंदोबस्त हैं। सुबह में कुछ पथ संचलन है, कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद धम्मचक्र परिवर्तन दिन के लक्ष्य में दीक्षा भूमि पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग आने वाले हैं। ड्रैगन पैलेस पे बंदोबस्त है, शाम को रावण दहन है, विसर्जन का भी बंदोबस्त रहने वाला है। इसको ध्यान में रख के बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाई गई है। अंदाजन 5000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस सब के लिए नियोजन किया गया है। बाहर से 4 कंपनी SRPF और 1000 होमगार्ड्स भी बुलाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि पूरी ये जो भी उत्सव है, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग इस बार आने वाले हैं, क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो 2 साल से था वो सभी रिलैक्स हो गए हैं, इसलिए जो भी लोग बड़े पैमाने संख्या में आएंगे, उन सबकी सुरक्षा और योग्य तरीके से बंदोबस्त करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दिन के उपलक्ष्य में देश विदेश से लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि पर पहुंचते हैं। कामठी के ड्रैगन पैलेस टेंपल में भी अनुयायियों की भीड़ उमड़ती है। इस दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी आवागमन होता है। परिसर में आवागमन के लिए 8 प्रवेश द्वार रहेंगे, जिसमें 3 पुलिस आयुक्त, 8 सहायक उपायुक्त, 3 SRPF की कंपनियां तैनात की गई है और लगभग 100 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।